हेलो, मैं हूँ चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के उत्तर। पहला है, शरीर क्रिया विज्ञान किसे कहते हैं या क्या है। नेक्स्ट है, जीवन के लिए उत्तरदायी कौन कौन से प्रक्रम हैं या जीवन के लिए अनिवार्य प्रक्रम कौन कौन से हैं। फिर उसका अगला टॉपिक है, किसी जीव द्वारा कौन सी बाहरी कथित सामग्री प्रयोग की जाती है। और लास्ट है कि किस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है, या हम किस आधार पर निर्णय कर सकते हैं, या किस मापदंड के द्वारा बता सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं कि कोई सजीव है या निर्जीव है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक कि शरीर क्रिया विज्ञान क्या है या किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान बायोलॉजी की वह शाखा, ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जैव प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। बायो प्रोसेस होता है जैव प्रक्रम का। नहीं तो शरीर क्रिया विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, तो शरीर क्रिया विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। पहला है पादप शरीर क्रिया विज्ञान और दूसरा है जंतु शरीर क्रिया विज्ञान। पादप शरीर क्रिया विज्ञान को पादप कार्यकी कहा जाता है और जंतु शरीर क्रिया विज्ञान को जंतु कार्यकी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य है। तो जीवन के लिए निम्नलिखित प्रक्रम अनिवार्य है, यहाँ पर दिया हुआ है श्वसन, वृद्धि, गति, पोषण, उत्सर्जन इत्यादि। सबसे प्रमुख चीज जो है वो श्वसन है, उसके बाद वृद्धि है, गति है, पोषण है और उत्सर्जन है। किसी जीव द्वारा कौन सी बाहरी कच्ची सामग्री प्रयोग की जाती है, ठीक है, जीव जो है वो कौन सी कच्ची सामग्री प्रयोग करती है, ठीक है। तो सबसे पहला है ऑक्सीजन, यानी कि श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन और सौर ऊर्जा। फिर अगला है क्वेश्चन कि किस आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है, या इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि कोई वस्तु जीवित है, इसका निर्धारण करने के लिए कौन कौन से मापदंड का प्रयोग करेंगे। तो कोई सजीव जीवित है इसका निर्धारण निम्नलिखित तरीकों से करेंगे। पहला, सांस लेना, यानी कि श्वसन की क्रिया, ठीक है, अगर श्वसन की क्रिया हो रही है तो वो जीवित है। वृद्धि करना, अगर वृद्धि हो रही है तो वो जीवित है। गति करना, गति होना चाहिए, रूट फूट की मरम्मत भी होना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।